एक सामुराई का जीवन डिसिप्लिन और ऑर्डर में होना बहुत जरूरी है। सामुराई को हमेशा अपने हुनर में सुधार लाना चाहिए जिससे वो हमेशा जंग के लिए तैयार रहे। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। अपने दुश्मन का दिमाग पढ़ो, अपने इंस्टिंक्ट्स का इस्तेमाल करके उनका अगला कदम भांप लो और उनके हमले के लिए तैयार रहो। क्या बात है केविन? हमेशा चौकन्ना रहना जरूरी है। माइक जरा एक बात बताओ। हे ये गलत है, मास्टर ने मेरा ध्यान भटकाया। हे गाइस, कुछ पता चला? तुम ज्यादा सो गए फिर से? हाँ पर इसमें कोई नई बात नहीं है। तो क्या बात है? जी ने मुझसे कहा आज हम छुट्टी ले सकते हैं। सच्ची? ये मजाक तो नहीं है ना? पर हमने बस अभी प्रैक्टिस शुरू की है। केविन, तुम कह रहे हो कि तुम अपने सामुराई मास्टर के सीधे ऑर्डर की ना फरमानी करोगे? हाँ? ऐसा नहीं है। मैं क्या करूँ, सारा दिन शॉपिंग करने में बिताऊं या फिर कोई अच्छी सी फिल्म देखने जाऊं? आज कितना अच्छा दिन है, इसका मजा तो खुले में ही उठाया जा सकता है। एमिली, मैं तुम्हें इसे चलाना सिखाऊंगा। मैं रेनबो जेन के बारे में सोच रही थी, मैं कभी भी रोलर कोस्टर पर नहीं बैठी। क्या कभी नहीं? मैं जहाँ से हूँ वहाँ अम्यूजमेंट पार्क्स नहीं थे। तो फिर तय रहा, रेनबो जेन हम आ रहे हैं। हे जेडन, हम सब अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं। मजे करना। तुम साथ नहीं चल रहे? आज नहीं दोस्त, मुझे कुछ काम करना है। वो कभी कभी कितना अजीब बिहेव करता है, इतना भी जरूरी क्या हो सकता है? दिन निकला जा रहा है, जेडन अपना ख्याल रख सकता है, चलो। रेंजर्स एक साथ, सामुराई हमेशा। हमला करो, चलो हो जाए। मुझे हमला करके भागना अच्छा नहीं लगता, पर फिर से करता हूं एक और बार। अब जरा ये देखो, हथियार। हे माइक कहाँ चला गया? नीचे आ जाओ। बहुत हुआ। चलो आए तो सही। अरे यार तुम सब कौन हो? हम है सामुराई रेंजर्स, समराइजर। गो गो समराइ। कहते हमले को भांप जाना। वैसे माइक आजकल रहता कहाँ है तू?
ना स्कूल आता है ना घर पर मिलता है। ग्रेजुएशन वाली पार्टी में भी नहीं आया तू। ये बहुत लंबी कहानी है। चल यार बता भी दे। अब मैं कैसे बताऊं? मैंने एक बड़ी अच्छी टीम ज्वाइन की है पर वो सभी बहुत टैलेंटेड हैं। डर लगता है। छोड़ यार ज्यादा मत सोच, तेरे जैसा गेमर यहाँ कोई नहीं है। तू हमेशा गेम की चालें समझता है और अपनी चाल चल के सबके होश उड़ा देता है। मैं केविन की तरह हमला भांप नहीं सकता। केविन कौन है? इस टेक्निक में माहिर होने तक वापस नहीं जाऊंगा। मैं अपनी टीम को निराश नहीं करूंगा। मैंने तुझे इतना सीरियस कभी नहीं देखा। सीरियस होने में वक्त लगा पर बुराई से पूरी दुनिया की रक्षा करना बहुत मुश्किल काम होता है। बुराई से दुनिया की रक्षा करना, ये कौन सा वीडियो गेम है? लगता है कुछ गड़बड़ है। गई छुट्टी पानी में। इंसान, इन्हें तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। अब जरा डर का लेवल थोड़ा और बढ़ाया जाए। बालों की कसम, समुराई रेंजर्स, मैं मदद करती हूँ। बहुत हुआ गंदे बाल वाले। तुम्हारा मतलब मेरे बाल अच्छे नहीं है? ये इतने गंदे हैं कि इन पर शैम्पू भी काम नहीं करेगा। रंग बिरंगे रेंजर्स, क्या तुम सब यहाँ मेरा स्वागत करने आए हो? ये अच्छा नहीं हुआ, अब हम क्या करें? बस इतना ही दम है। अब तुम्हें कुचला जाए। ओह नो, मैंने गलती से तुम्हें मार दिया। बाय बाय रेंजर। जरा बच के। जेडन, मैं तुम्हें कवर करती हूँ। गोल्डविन साइट अटैक। हो गया, इन्हें हराना तो बच्चों के खेल जैसा था। हमें हिम्मत करके उसका सामना करना होगा। हमें नाइलॉक को हराना होगा वरना हम खुद उनसे हार जाएंगे। समझ गया। पता है। शुक्र है तुम वहां थे, तुमने उस नाइलॉक को कई लोगों को जख्मी करने से रोका। खबर मिलते ही हम पहुंच गए थे। मुझे लगा मैं उससे अकेले निपट लूंगा। तुमने काफी बहादुरी दिखाई पर जरा सोचो क्या हो सकता था। पता है माइक, एक सामुराई का काम तुमसे बलिदान मांगता है। चूंकि तुम्हारी लड़ाई बुराई से है, तुम्हें अपने परिवार और दोस्तों को महफूज रखने के लिए उनसे दूर रहना होगा। अब मैं ये समझ गया पर मुझे देखना होगा मेरे दोस्त ठीक हैं या नहीं। माइक, अब मैं लंबे अरसे के लिए तुम सबसे मिल नहीं पाऊंगा पर इसी में तुम्हारी भलाई है। ओह नो, ये तो बहुत सारे हैं। हाँ, पर हम इन्हें रोक लेंगे। पर ये तो आते ही जा रहे हैं। मैं मदद करूंगा, पकड़े रहना। दोस्तों, हम ये एक साथ कर सकते हैं। फायर स्मैशर। ये क्या कर रहा है? तुम्हारा खेल खत्म। वाओ, जेडन का जवाब नहीं। हाँ, पर सिपाही बहुत सारे हैं। चलो उसकी मदद करें। ठीक है। चलो हो जाए। हाइड्रो बो। सही निशाना। स्काईपैन। अब तुम्हें उड़ा दिया जाएगा।
तुम्हारा ग्रीन रेंजर दोस्त कहाँ है? पिटने का वक्त आया तो वो हरा धनिया दुम दबा कर भाग गया। ओए, मुझे ढूंढ रहा है। माइक, तुम आ गए। जरा बच के, मैं इससे अकेले ही निपटूंगा। नहीं कर पाओगे। कोशिश तो कर सकता हूँ, अब होगा हिसाब चुकता। सामुराई जा। गो गो सामुराई। सामुराई रेंजर तैयार। हमला शुरू। अब बनाता हूँ इसका कचूमर। इसे सबक सिखाने के लिए मैंने कुछ नए पैंतरे सीख लिए हैं। माइक, क्या कर रहे हो? चलो उसकी मदद करें। हाँ, हाँ, चलो। जेडन! अपना हाल तो देखो, एक डबल स्लैश और तुम धूल चाट रहे हो। पर मैं अभी हारा नहीं हूँ। मुझे लगा था तुम डट कर खड़े रहोगे, पर तुम तो कीड़े की तरह रेंग रहे हो और मुझे कीड़ों को कुचलना अच्छा लगता है। दोस्तों देखो, जेडन हम आ रहे हैं। नहीं, तुम खुद को बचाओ। डबल स्लैश। नहीं, मुझे यही सब होने का डर सता रहा था। लगता है इन बेवकूफों को तुमसे बड़ा लगाव है, ये इनकी गलती है। इनसे दूर रहो। हमें मदद करनी होगी। प्रिंसोर्स स्ट्राइक। जेडन, तुम ठीक हो ना? एक के साथ चार फ्री, ऑफर तो बड़ा अच्छा है। अच्छा हुआ मास्टर ने हमें एक और दिन की छुट्टी दे दी। सही तो है, क्योंकि हमारी पिछली छुट्टी तो एक नायलॉग को खत्म करने में निकल गई। चलो, मास्टर को यही ठीक लगे तो मुझे बहस नहीं करनी चाहिए। भला कौन बहस करेगा कॉटन कैंडी से। ये सब खाना मेरी ट्रेनिंग डाइट के खिलाफ है। ये सच है, पर कोई बात नहीं, कॉटन कैंडी और ट्रेनिंग से एक दिन छुट्टी तुम्हारे लिए अच्छी हो सकती है। जी ने कहा कि जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है, इससे हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चलो, अब बातें बहुत हुई, अब राइड्स का मजा लेते हैं। वाह, मेरा पहला रोलर कोस्टर। बहुत अच्छे माइक। हाँ, तुम बहुत अच्छा लड़े। तुमने जिस तरह उस नायलॉग को मात दी वो तो कमाल था। तुमने जो उसके ही हाथों से उसका अंत करवाया वो बहुत अच्छी चाल थी। हाँ, मैं भी इतनी अच्छी तरह नहीं कर पाता। वैसे सच तो ये है कि मैंने उसे फंसाया तो सही, पर उतना काफी नहीं था। दरअसल जेडन ने उसे हराने में मेरी मदद की। मैंने तो बस उसके एक हाथ के हमले का अंदाजा लगाया था, जेडन दूसरे हाथ से निपटा। मैं इसके बगैर नहीं कर पाता। हम टीम बनकर कुछ भी कर सकते हैं। Thank you.